हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज ये लाइव टेस्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 लाइव टेस्ट करा चुके हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के टेस्ट के अंतर्गत हम भूगोल विषय के टॉप 25 क्वेश्चन कराएंगे, जो अभी तक विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं, और आप इन सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और ये भी बताएं कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ज़िला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यानी हरदोई, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप इन सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में भी अवश्य लिखें। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं लखनऊ, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नोत्तक भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड? जी दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यानी महाराष्ट्र, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सभी प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नोत्तक जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यानी किन्नौर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, ऊधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तर प्रदेश, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं मेघालय, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं जम्मू कश्मीर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, NMD का तात्पर्य है, यानी NMD का मतलब नेशनल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है?
जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पोर्ट ब्लेयर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नोत्तक दर्रों में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यानी शिव किला, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किन दर्रों को पार करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए दक्षिण और लिटिल अंडमान, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए आनंदपुर साहिब, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी अरावली, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा रेखा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यानी भारत और पाकिस्तान, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इसका आंसर यहां पर रॉन्ग दिया हुआ है, हम आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं देहरादून, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। जवाहर सुरंग किस राज्य में है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।